हेलो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं SBI वर्चुअल कार्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, SBI वर्चुअल कार्ड बिल्कुल देखिए जो डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है वैसे ही है। इसमें भी 16 डिजिट का नंबर और आपका एक्सपायरी डेट, साथ ही साथ एक CVV नंबर भी दिया जाता है और इसका लिमिट रहता है। लेकिन एक काल्पनिक कार्ड है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका जो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड सेफ रहे, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे कि मान लो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है कहीं भी, और देखिए इस तरह का जो पेज है पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन में, तो आपको यहाँ पर देखिए जो क्रेडिट डेबिट ATM कार्ड का इस तरह का जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जैसा क्रेडिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर रहता है या फिर डेबिट कार्ड का जो नंबर रहता है वैसे नंबर जो आपका वर्चुअल कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एंटर कार्ड नंबर, जो वर्चुअल कार्ड नंबर है 16 डिजिट का, वो नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका मंथ और एक्सपायरी डेट, यानी एक्सपायरी डेट डालना है, मतलब आपका मंथ और ईयर। उसके बाद CVV नंबर डालकर आप पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, इसमें आपका जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सेफ रहेगा। और इसको कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले तो आप नेट बैंकिंग ओपन करके ई सर्विस को सिलेक्ट करना है। ई सर्विस सिलेक्ट करने के बाद आप ई कार्ड से जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा उसको सिलेक्ट करना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको लिमिट देना है, और वर्चुअल कार्ड का लिमिट देखिए आप 100 से 50 हज़ार तक आप दे सकते हो, लेकिन आप उतना ही लिमिट रखें जितना आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन में, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी साइट हो जहाँ पर आपको लगे कि भाई ये सेफ नहीं है, तो आप उस तरह के साइट पर आप जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। और एक बार पेमेंट करने के बाद ये जो कार्ड है दोस्तों डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिवेट देखिए क्रेडिट कार्ड जो सॉरी वर्चुअल कार्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको जेनरेट वर्चुअल कार्ड को सिलेक्ट करना है, और अगर कैंसिल करना है तो राइट साइड में कैंसिल का भी ऑप्शन है, ठीक है, कभी भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो जेनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए लिमिट में 100 रुपये डाल दे, और उसके बाद जेनरेट करना है। तो जेनरेट को सिलेक्ट करने के बाद आपके फ़ोन पर एक OTP नंबर आएगा 8 डिजिट का, ठीक है। और देखिए एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर जो OTP है डाल देता हूँ। और डालने के बाद आपको कन्फर्म करना है, तो OTP डालने के बाद कन्फर्म करते ही देखिए आपका जो वर्चुअल कार्ड है SBI का वैसे इस तरह क्रिएट हो जाएगा। और इसका देखिए आप कहीं भी ऑनलाइन में पेमेंट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।